मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर के फादर, जिनका टोमेटोज का बिजनेस था, वो सब लोगों को अपने टोमेटो फार्म का टूर दे रहे थे। वहां पर उन्होंने डोर ओपन किया और उनका बेटा अंदर किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद एक मंथ पीछे का हमें टाइम बताया जाता है और वहां से स्टोरी आगे बढ़ेगी। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है टेटो और टेटो के फादर हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं। टेटो को इस आवाज से आज जल्दी उठना पड़ता है, यानी कि दोपहर के 1 बजे। वो इसी रैंडम लड़की के साथ था, वो कुछ भी कमिटमेंट नहीं चाहता था, तो जल्दी से उस लड़की के उठने से पहले वहां से वो चला गया। अपने फादर के साथ वो ब्रेकफास्ट करता है। टेटो ने अपने मेट से कहा कि आज भी मेरे बेड में एक लड़की है, प्लीज आपके सन से कहकर उसे बाहर निकालने में मेरी हेल्प करिए। मेट के सन का नाम था इगोर, ये टेटो का अच्छा फ्रेंड था। पैरेलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर पाउला को देखते हैं। पाउला एक डॉक्टर बनना चाहती है और इसी वजह से अपनी रेजिडेंसी के लिए वो अप्लाई कर रही थी। नेक्स्ट सीन में इगोर ने टेटो के बेड में जो लड़की थी उसे बाहर निकालने के लिए हेल्प कर दी। उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राइड भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में पाउला अपने हॉस्पिटल में थी। वहां पर डॉक्टर सब लोगों को कंसल्ट कर रहे थे। पाउला और उसकी फ्रेंड्स का हॉलीडे के लिए एक फेस्टिवल में जाने का प्लान था। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पाउला की यहाँ पर जरूरत है। पाउला को जाना था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगा था कि रेजिडेंसी तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे ब्लैकमेल कर रहा था तो पाउला कहती कि मैं यहीं पर रुकती हूँ। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करता, उसे वो अनअप्रोप्रिएटली टच करता है और इस वजह से पाउला को गुस्सा आ गया। उसकी फ्रेंड्स फेस्टिवल के लिए निकल रही थी तो वो भी लास्ट मोमेंट पर वहां पर आ ही गई। पैरेलल में टेटो अपने घर पर मजे कर रहा था। वो इगोर से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, चलो हम दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं। वो दोनों फिर मिलकर हॉर्स राइडिंग करते हैं। टेटो को अपने बर्थडे के लिए रेंज रोवर चाहिए थी तो जाकर इसकी ओर राइड लेते हैं। वो बहुत ही फास्ट कार चला रहे थे और एक बस को ओवरटेक करते हैं। इसी बस में पाउला और उसकी फ्रेंड्स थी। वो कहती है कि यहाँ पर भी अमीर ज्यादे रहते हैं। पाउला को इस तरीके की अमीर लड़कों से बहुत ही हेट था। टेटो गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा था तो एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। तभी कार में से लेडी ऑफिसर बाहर निकली। वो टेटो को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहती है, उसकी खुद तलाशी लेती है और इसमें वो मजे ले रही थी। वो कहती कि आज रात तो तुम्हारे यहाँ पर पार्टी है, तुमने मुझे इन्वाइट भी नहीं किया। टेटो उसे कहता है कि ऑफकोर्स तुम इन्वाइटेड हो। वो दोनों भी पहले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर चुके थे। इसके बाद कार लेकर टेटो अपने फादर से मिलने के लिए गया। फादर कहते हैं कि ये कार मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि इस कार को तुम अर्न करो। टेटो ये बात समझ नहीं पाता। फादर ने कहा कि अब टाइम आ चुका है, तुम्हें हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम हमारे साथ काम करोगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी और आसानी से इसे तुम बाय कर सकते हो। टेटो इस बात के लिए रेडी नहीं था। अगर वो सिर्फ कंपनी को जानने में इंटरेस्ट दिखाता है, फिर भी उसके फादर ये गिफ्ट करने के लिए उसे रेडी थे। वो फिर अपने एक असिस्टेंट को बुलाते हैं जिसका नाम था मोनिक। मोनिक उन्हें अपनी कंपनी का पूरा टूर देती है। वो टेटो के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। टेटो कहता है कि क्या मुझसे कुछ गलती हुई है, क्या हम दोनों ने एक साथ रात बिताई है। मोनिक कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इस जगह पर पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ी है और तुम्हें आसानी से सब कुछ मिल रहा है, पर फिर भी तुम इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। टेटो कहता है कि तुम्हें जरा रिलैक्स करने की जरूरत है, आज रात हमारे यहाँ पर पार्टी है, तुम्हें भी इसे ज्वाइन करना चाहिए। जिस फेस्टिवल में पाउला और उसके फ्रेंड आ रहे थे, ये टेटो का ही फेस्टिवल था। टेटो की पार्टी में इगोर भी आता है पर गेस्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं था। इगोर ने टेटो को कहा था कि उसे एक लड़की बहुत पसंद है। टेटो से कहता है कि अगर तुम मेरी कार यूज करोगे तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। इगोर को लगता था कि वो लड़की वैसी नहीं है। टेटो फिर उसे उस लड़की के साथ मिलवाने के लिए गया। वो लड़की इगोर को छोड़कर टेटो से ही बहुत ही इम्प्रेस थी। वो कहती कि मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तुम मुझे लाइक कर दो। और वो डायरेक्टली टेटो को किस करने लग गए। टेटो उसे झड़क देता है और इगोर के पीछे चला गया। टेटो ने कहा कि इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। इगोर कहता है कि हमेशा तुम्हारे पैसों की वजह से हर एक लड़की तुम्हारे पीछे होती है, कौन सी लड़की तुम्हें एक्चुअल में लाइक करती है ये जानना बहुत ही हार्ड है। फेस्टिवल स्टार्ट होता है और एक दूसरे पर वो टमाटो फेंकने लग गए। इसमें टेटो पाउला पर टमाटो फेंकता है। पाउला इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे सॉरी कहता है, पर उस पर वो बहुत नाराज थी। उसी मोमेंट पर कुछ लड़के पाउला और उसके फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करने लग गए। टेटो उनके साथ फाइट कर उन्हें भगा देता है। इस फाइट में उसके नाक को चोट आ गई थी। पाउला उसका ख्याल रखती है, उसे बहुत दर्द हो रहा था तो उसका नाक उसने सही कर दिया। टेटो बहुत डर रहा था और वो कहती थी कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। पाउला ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकती हूँ। टेटो इगोर की बात पर सोच रहा था। पाउला को नहीं पता था कि यहाँ पर टेटो कौन है, तो टेटो डिसाइड करता है कि पाउला को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएगा। उसे कहता है कि मैं यही फार्म पर रहता हूँ, तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। टेटो को भी पता चलता है कि पाउला रियो में ही रहती है। उसे हॉर्स राइडिंग के लिए पूछता है। पाउला कहती है कि अब रात में कहाँ पर जाएंगे, और फिर वहां से चली गई। अगली सुबह टेटो के फादर उसके लिए कार लेकर आए थे। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा।
टेटो कहता है कि इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जॉब में आप जिस तरीके से मुझे ऑफर कर रहे हैं उस तरीके से मैं नहीं पाना चाहता, इसके लिए मैं वर्क करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी का रियो में एक कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, सब लोगों के साथ मैं कम्पीट करना चाहता हूँ। इसके पीछे का तो रियल रीज़न पॉला ही थी। वो फिर इगोर के पास आता है, कहता है कि तुम्हें हमेशा से कॉलेज के लिए रियो जाना था, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। टेटो उसे अपना प्लान बताता है, कहता है कि मैं तुम होने का प्रिटेंड करूंगा और तुम मेरी जगह ले लेना, हम दोनों मिलकर उस इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर जॉब इगोर को मिल गया तो टेटो अपनी कार उसे देने वाला था। इगोर को कार बहुत पसंद थी और इस बात के लिए वो मान जाता है। वो दोनों मिलकर फिर रियो पहुंचते हैं। रियो पहुंचने के बाद टेटो ने पॉला के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, वो एक पार्टी में आने वाली थी तो वहीं पर वो पहुंच जाता है। वहाँ के स्टाफ को पे करता है ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि इस जगह की साफ सफाई का वो काम करता है। पार्टी में पॉला ने टेटो को देखा, उसे यहाँ पर देखकर बहुत सरप्राइज थी, उसे पहचान जाती है। यहाँ पर पॉला को लेने के लिए डॉक्टर आता है और जबरदस्ती उसे लेकर जा रहा था। पॉला को ये सब चीजें सही नहीं लगती, उसे झटक देती है और टेटो के पास आई। डॉक्टर को दिखाने के लिए उसने टेटो को किस कर लिया। इसके बाद वो दोनों बीच के पास आते हैं। टेटो ने आज तक ओशन देखा नहीं था और देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे अपनी कंपनी की इंटर्नशिप के बारे में कहता है। इसके बाद उसके करीब आ रहा था पर पॉला वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी इंटर्नशिप के यहाँ पर आते हैं। वहां पर हम मोनिक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, उसे अपने जॉब से निकाल दिया गया था। सब लोगों को इंटर्नशिप के लिए बॉस से इंट्रोड्यूस करवाया गया। बॉस का नाम था अलोना। वहां पर वो प्रिटेंड कर रहे थे कि इगोर टेटो है और टेटो इगोर की तरह प्रिटेंड कर रहा था। इगोर को फिर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि सबको लग रहा था कि वो सीईओ का ही सन है। टेटो को यहाँ का ज्यादा कुछ भी काम करना नहीं आता तो फिर उसे कॉफी बनाने का वो काम दे देते हैं। एक एम्प्लॉय अलोना से कहते हैं कि टेटो पर अच्छे से ध्यान रखो, इस कॉम्पिटिशन में वही जीतना चाहिए। अलोना फिर टेटो समझकर इगोर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। टेटो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है जो एक डिजास्टर थी। टेटो को फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने का काम दिया गया जो ठीक से कर नहीं पाता। आज का डे उसके लिए बहुत ही हार्ड था। ये सब चीजें करने के लिए उसे हेल्प की जरूरत थी। वो फिर मोनिक के पास आता है, उसे कहता है कि जॉब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पाने के लिए मेरी हेल्प करो। मोनिक उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसकी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर थी। सिस्टर प्रेग्नेंट थी और उसे डॉक्टर की जरूरत थी। टेटो फिर डायरेक्टली पॉला के पास आ गया, उसे मोनिक की सिस्टर के पास लेकर आता है, उसका चेकअप करती है। मोनिक को पता चलता है कि पॉला अभी तक डॉक्टर नहीं है। ये जानकर वो टेटो पर बहुत गुस्सा होके टेटो कहता है कि वो बनी जाएगी, कुछ ज्यादा वरी मत करो। टेटो ने कहा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम मुझे हेल्प करती हो और मुझे जॉब मिल गया तो मेरी गाड़ी मैं तुम्हें दे दूंगा। इस गाड़ी की प्राइस बहुत ही ज्यादा थी और इस वजह से मोनिक उसे हेल्प करने के लिए मान जाती है। सुबह मोनिक जल्दी टेटो के यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे सही से ट्रेन करती है। टेटो जल्दी पहुंच कर बहुत सारे काम करता है फिर भी उससे गड़बड़ हो जाती है। वो वहाँ के एक एम्प्लॉय से कहता है कि मुझे जरा कुछ एक्स्ट्रा काम चाहिए, मैं हमारे प्रोडक्ट पर रिसर्च करना चाहता हूँ। उन एम्प्लॉय को इम्प्रेस कर उसके चांसेस वो बढ़ाना चाहता था। ये सब कुछ मोनिक ने उसे बताया था। मोनिक उसकी प्रोग्रेस देख कर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। टेटो से कहता है कि मैं पॉला को डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए मेरी हेल्प करोगी। मोनिक उसे कहती है कि तुम उसे अपनी अमीरी दिखा नहीं सकते तो एक छोटे से ब्यूटीफुल से प्लेस पर उसे लेकर चलो, वहां पर तुम दोनों मिलकर डांस कर सकते हो। टेटो को सही से डांसिंग आती नहीं थी तो मोनिक उसे सिखा देती है। इसके बाद टेटो और पॉला है दोनों डेट के लिए गए। उनकी डेट बहुत ही ब्यूटीफुल गुजरी है। पॉला उसे कहती है कि अगर मेरी मदर जिंदा होती है तो मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, ये बात वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो हमेशा रिच लोगों को डेट करती आई, उसकी डिवोर्स भी हुए पर फिर भी उसे हमेशा रिच ही पार्टनर चाहिए था। पॉला अपने खुद के साथ ऐसा कभी भी होने नहीं देना चाहती, वो खुद का एग्जिस्टेंस स्ट्रांग बनाना चाहती है। इसके बाद पॉला और टेटो एक करीब आ गए और किस करते हैं। पॉला उसे कहती है कि क्या हम तुम्हारे घर पर जा सकते हैं। टेटो कहता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा सा है, शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो फिर इगोर को कॉल कर अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इगोर जल्दी से अपने बिल्डिंग के डोरमैन के पास आया, उसे कहता है कि आपका क्वार्टर मुझे दिखाओ। वहीं पर टेटो पॉला को लेकर जाने वाला था, उनसे चाबी लेता है और लेकर जाता है। पॉला कहती है कि प्लेस उतना भी बुरा नहीं है। वो बैल्कनी पर आते हैं जहां से पूरी सिटी का व्यू दिख सकता था। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टेटो ने अपना प्रेजेंटेशन दिया जो वहां के बॉस को अच्छा लगता है। इगोर ने भी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। वहां पर जरा डिबेट होती है और वो डिसाइड करते हैं कि दोनों का आइडिया अच्छा है, दोनों के आइडियाज को टेस्ट करना चाहिए। रात में टेटो से मिलने के लिए पॉला उसके ऑफिस में आई। वहां पर अलाना उसे मिलती है। पॉला उसे टेटो के बारे में पूछती है तो अलाना उसे टेटो के पास लेकर जाने लग गए। अलाना के साथ पॉला को देखकर टेटो और इगोर दोनों छुप जाते हैं। अलाना ने उन्हें देख लिया तो इगोर कहता है कि मैं पॉला से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे पीछे के रास्ते से निकाल लीजिए।
वो फिर उसे लेकर के पार्किंग में जब अलाना और इगोर साथ आते हैं तो अलाना इगोर के साथ घर पर जाना चाहती थी। उसे कहती है कि हम रेस्टोरेंट चलते हैं। इगोर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुक कर सकता हूँ। होटल में उसने उसके लिए कुक किया पर अलाना को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी इसे वो खा लेती है। इगोर जिस तरीके से उसे ट्रीट करता था उसे बहुत ही अच्छा लगता था, उसे लाइक करने लग गई थी। पैरेलल में पौला और डेटोए दोनों इंटीमेट होते हैं और इगोर और अलाना भी इंटीमेट हो गए। अचानक से पौला को मोनिक का मैसेज आता है, उसकी सिस्टर की तबीयत जरा खराब हो गई थी। वो फिर मोनिक के पास आके पौला उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डेटो उनके बेबी को संभालता है। पौला थोड़ी देर में वापस आए और दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि पौला और डेटो इन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। डेटो भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। एक दिन पौला और डेटो जब साथ में थे तो डेटो के फादर उसे मिलने के लिए आए। वो कहते कि मेरे साथ चलो। डेटो काम पर जाना चाहता था, फादर मान नहीं रहे थे, तो पौला फिर डेटो की साइड लेती है। कहती कि आप इस तरीके से उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बचपन से लेकर आज तक आपने उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा है, उसे भी अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। गुस्से में फिर वो वहां से चली गई। बेचारे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि डेटो के फादर कितने स्वीट थे। कंपनी में अलाना इगोर से कहती है कि इन्वेस्टर के साथ आज तुम्हारे फादर की मीटिंग होने वाली है, हम दोनों को भी वहां पर जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था तो डेटो इगोर से मिलने के लिए आया। वो एक होटल डिसाइड करते हैं। टेटो रियल इन्वेस्टर मीटिंग में जाएगा और इगोर अलाना के लिए एक फेक इन्वेस्टर मीटिंग अरेंज करेगा। उन्होंने फिर एग्जीक्यूट कर दिया। आज रात एक जगह पर पार्टी हो रही थी तो पौला टेटो को बुलाती है। टेटो मीटिंग में से उठता है और कपड़े चेंज कर पार्टी में आ गया। पार्टी में डॉक्टर पौला के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था। पौला की फ्रेंड डॉक्टर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है। मिसअंडरस्टैंडिंग से ड्रिंक पौला के हाथ में आ गई थी। टेटो जब यहाँ पर आ रहा था तो रस्ते पर एक साइकिल से टकरा जाता है। पौला और उसकी फ्रेंड्स उसे हेल्प करने के लिए चली गई। पौला उसे एक पिल देती है और इसे निगलने के लिए उस ड्रिंक को टेटो ही पी जाता है। वो फिर थोड़ा थोड़ा ड्रंक होने जा के आया था। पौला के साथ टाइम स्पेंड कर फिर से वो मीटिंग में आ गया। कपड़े वगैरह चेंज करता है, अपने फादर से बात करता है। अपनी कंपनी को लेकर उसकी जो विजन थी इसके बारे में वो बात करने लग गया। उसे एक्चुअल में अब कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता था। फिर से उसे पौला का कॉल आ रहा था तो जल्दी से उसके पार्टी में आ गया। आकर वो उसके लिए सिंह कहता है जो पौला को बहुत अच्छा लगा। गलती से उसके पैर पर आग लग जाती है तो सी में चला गया। पौला उसे कहती है कि तुम बहुत ही वियर्ड एक्ट कर रहे हो। टेटो फिर जल्दी से इस पार्टी से निकल जाता है। इस पार्टी में टेटो की एक फ्रेंड भी आई हुई थी। उसे पता चलता है कि टेटो पौला के सामने प्रिटेंड कर रहा है। टेटो के फ्रेंड ने उसके बारे में पौला को सब कुछ बता दिया। जिस तरीके से टेटो बार बार गायब हो रहा था तो उसे देखने के लिए उसके फादर आए। टेटो और इगोर जब कपड़े चेंज कर रहे थे तो फादर ये देख लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। टेटो कहता है कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा और वहां से निकल गया। बाहर आने के बाद वो पौला से मिलता है। पौला कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गए और वहां से चली गई। टेटो उस ड्रिंक की वजह से वहीं पर नीचे गिर जाता है। पौला अपने फ्रेंड्स के पास आए और वहां पर डॉक्टर उसे जबरदस्ती करने लग गया था। पौला कहती कि मैं एक अच्छी डॉक्टर हूँ और मुझे रेसिडेंसी चाहिए थी, और इसी वजह से मैं बहुत मेहनत कर रही थी। तुम जब मुझे फोर्स करने लग गए तो मेरी काबिलियत पर मैं शक करने लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और कहती कि अब मुझे तुम्हारी रेसिडेंसी नहीं चाहिए। गुस्से में वहाँ से वो चली गई। इसके बाद हम मूवी के फर्स्ट में हमने जो सीन देखा था वही देखते हैं। टेटो के फादर सब लोगों को टूर दे रहे थे। वो डोर ओपन करते तो अंदर